आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ होली स्पेशल मिठाई रेसिपी। इस कलाकंद को आप घर पर जबरदस्त बना के तैयार कर सकते हैं। एकदम सॉफ्ट मुलायम ये कलाकंद दानेदार सा बन के तैयार होगा। मैं इसे आपको पास से दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट और मुलायम दानेदार सा बन के तैयार हुआ है। इसके लिए आपको पनीर नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा दूध की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक कप दूध से इस ज़बरदस्त कलाकंद को आप घर पर बना ले जाएंगे। इसे बनाने के लिए आपको कोई भारी सा बर्तन चाहिए और एक यहाँ पे मैंने पैन का इस्तेमाल किया है। आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा भारी वाला पैन लिया है मैंने ताकि ये नीचे लगे नहीं। एक कप दूध भरकर हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मैंने फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल किया है। साथ में हमें डालनी है आधे कप चीनी। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अब हम चीनी को लगातार चलाते हुए घोल लेंगे दूध में। और जैसे मैंने बताया, सिर्फ 10 मिनट में ये कलाकंद आपका बनके तैयार हो जाएगा। और अभी मैंने गैस पे भी नहीं रखा है, पहले से ये सारे काम आपको कर लेने हैं। पहले एक बर्तन में आपको दूध चीनी डालकर अच्छे से चला के घोल लेना है। और अच्छे से चीनी को हम घोल लेते हैं। साथ में मैं इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालूंगी जिससे ये बहुत ही दानेदार और सॉफ्ट सा बनके तैयार होगा। तो देखें, इस दही को मैंने लिया है और अच्छे से मैं इसे फेंट रही हूँ। थोड़ा सा इस तरह से गाढ़ा रहता है तो आप फेंट लीजिएगा इसी तरह से। तो बस इस तरह से मैंने इसे फेंटा और फिर इसमें ऐड किया। तो यहाँ पे पूरे 3 चम्मच हमने दही का इस्तेमाल किया है और बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। और अगर आप दही नहीं डालना चाहते हैं तो 2 चम्मच आप यहाँ पे नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इन सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिला लेते हैं, कुछ इस तरह से। बिल्कुल नए तरीके से ये कलाकंद आपका बहुत ही जल्दी बनके तैयार होगा। और सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत ही शुद्ध बढ़िया बनेगा। तो जब भी कभी आपके घर मेहमान आए या त्यौहार हो तो झटपट से आप इसे बना लेंगे। सिर्फ 10 मिनट में ये मिठाई बन जाएगी। और मार्केट में तो ये बहुत ही महंगी मिलती है, पर घर पर बहुत ही बजट में बन जाती है। इलायची का पाउडर डाल दीजिएगा और अच्छे से इसे फिर से मिला लीजिएगा। सारी चीज़ें देखें अच्छे से मिल गई हैं। इसके बाद जब हमारी सारी चीज़ें मिल जाएंगी तभी हम इसे गैस पे रखेंगे। तो देखें, अभी मैंने इसे गैस पे नहीं रखा है और इसी तरह से सारी चीज़ें मिला ली हैं। कलाकंद बनाने के लिए अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, सिर्फ 2 चम्मच। अगर आप चाहो तो रिफाइंड भी ऐड कर सकते हो, घी नहीं डालना चाहते हो तो, या फिर 2 चम्मच घी में ही इसमें काम हो जाएगा। अब घी को भी इसमें अच्छे से फेंट लेंगे बढ़िया तरीके से और एकदम सॉफ्ट मुलायम आपका कलाकंद बन जाएगा। जैसे मैंने बताया कि इस कलाकंद को आपने ट्राई किया तो बार बार बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये सागर का मिल्क पाउडर लिया है। और इससे मिठाई वगैरह बनाते हैं हलवाई वगैरह जो दुकानों पे बनती है ना, वो यही वाला मिल्क पाउडर यूज करते हैं। और बस इस तरह से मैंने डाल दिया है। ये भी अमूल ही कंपनी का है और मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 कप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। अच्छे से सिर्फ मिला लेंगे ताकि इसमें गुल्ठे वगैरह ना रहें। इसे मिलाने के बाद ही हम इसे गैस पे रखेंगे। तो पहले इसे अच्छे से मिला लीजिए। तो देखें, 1 कप डालने के बाद 2 कप भी मैंने डाल दिया है। अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत दूध कम लगे तो थोड़ा सा दूध आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इस तरह से चलाते हुए बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें गुल्ठे ना रहें। और अब देखें, ये काफ़ी मिक्स हो गया है, कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है। मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया है। तो चलिए अब इसे गैस पे भी रख लेते हैं, क्योंकि अभी हमने इसे गैस पे नहीं रखा था। आंच को आपको धीमा रखना है, तभी आपको इसे गैस पे रखना है। एकदम धीमी आंच में बढ़िया तरीके से आपका कलाकंद बन के तैयार हो जाएगा बहुत ही जल्दी। तो बस इस नए तरीके से आप जल्दी से इसे ट्राई करिएगा
और मैं आपको यकीन दिला रही हूँ कि आपको ये कलाकंद बहुत पसंद आने वाला है, और आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताने वाले हो कि ये बिल्कुल हलवाई जैसे बनके तैयार हुआ है। तो देखें अब क्या किया है मैंने, धीमी आंच में बढ़िया से जब आप इसे इस तरह से चलाएंगे तो थोड़ा सा आपको इस तरह से पतला सा ये दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे ये पकना शुरू होगा तो गाढ़ा होना भी शुरू हो जाएगा। 3 से 4 मिनट और लगेंगे और इससे बढ़िया से ये थिक हो जाएगा। तो देखें इस तरह से मैं इसे बना के तैयार कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त आपका कलाकंद एकदम घर पर बनके तैयार होने वाला है। और इसे बनाने के लिए आपको ऐसा नहीं है बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, कम सामान में इतना अच्छा कलाकंद बनेगा। अभी देखें इसमें कितने अच्छे से ये जो है रबड़ी जैसे दिखने लगा है आपको, एकदम दानेदार सा और काफ़ी थिक भी हो गया है कुछ इस तरह से। सिर्फ 2 मिनट और लगेंगे, क्योंकि जब हम कलाकंद बनाते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा हम पकाते नहीं हैं ताकि वो सॉफ्ट रहे, उसे थोड़ा सा गीला ही रखते हैं। तो इसे भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। देखें कुछ इस तरह से जैसे ही होगा तो हम गैस को बंद कर देंगे, और बंद गैस में आप इसे इस तरह से चला लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है, टाइट नहीं बनता है। तो जैसे ही आपको इस तरह से थिक दिखे तो आपको गैस को बंद कर देना है। अब बहुत ही दानेदार बढ़िया सा हमारा बनके तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने यहाँ लंच बॉक्स लिया है जिसमें बटर पेपर लगाया है, और आपको ये गरम गरम नहीं डालना है, पैन में थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा तभी आप इसमें डालिएगा। अब मैंने इसे अच्छी तरीके से इस तरह से फैला दिया है, क्योंकि जैसे मैंने बताया दही से बहुत ही दानेदार और बढ़िया ये बनके तैयार हुआ है। हल्का सा आपको चिकना करना है, बहुत ज़्यादा चिकना भी नहीं करने की ज़रूरत है, कलाकंद तो दानेदार ही होता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, पूरे दूध के फ्लेवर का बनता है। तो देखें अब क्या करेंगे, इसे पलट लेंगे, ईजिली ये पलट जाएगा, और इसे सेट भी ज़्यादा देर तक नहीं करना है, सिर्फ 10 से 15 मिनट में ही ये सेट हो जाएगा, एकदम जालीदार सा बढ़िया सा दानेदार सा आपका कलाकंद बन जाएगा। अब आप इसे कट कर सकते हैं जैसे पीस आपको पसंद हो, मैंने कुछ इस तरह से इसके लंबे पीसेस कट कर लिए हैं। अब मैं देखो आपको पास से दिखाई हूँ कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट और मुलायम है, केसर के धागे इसके ऊपर लगा सकते हैं आप, या फिर बादाम भी लगा सकते हैं, पिस्ता बादाम अपने पसंद से लगा लीजिएगा, गुलाब की पत्ती लगा लीजिएगा, और बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बना है। मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा दानेदार सा बढ़िया सा ये बनके तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा, हो सके तो कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी हमारी आज की।